समिति के निर्देशों का पावन निर्देशों का पालन करते हुए राम राज्य अभिषेक पर केकई के समय की बात आप श्रवण करने जा रहे हैं। खुशियों का दिन आया अवध में खुशियां हैं चारों ओर। आज राम राजा होगा ऐसी चर्चा है चारों कि राज तिलक की होने लगी तैयारी, नगर में हो रही जय जयकार। आज राम राजा होगा खुशियां मनाए सब और खुशियों का दिन आया आया रे और खुशियों का दिन आया ये खुशियां हैं चारों पर। और खुशियों का दिन आया खुशियां हैं चारों पर। अरे राम हमारा राजा हो चर्चा चारों ये चर्चा चारो नगर गांव के लोग पधारे राम लला के द्वारे आए महिमा देखो रामा रामा रे अरे महिमा देखो रामा की हो रही जानो महिमा देखो रामा के हो रही जानो महिमा देखो रामा के हो रही जानो। अरे आज रमद में राजा अरे आज रमद में राजा अरे चर्चा चारो अरे आज यमद में खुशियां छाई बोलो जय श्री राम। आज यमद में खुशियां छाई बोलो जय श्री राम। अरे मंगल देखो ये घड़िया आई बोलो जय श्री राम।
अमृत में खुशियाँ छाई, बोलो जय श्री राम। राम हमारे राजा होंगे, बोलो जय श्री राम। राम हमारे राजा होंगे, बोलो जय श्री राम। राम हमारे राजा होंगे, बोलो जय श्री राम। जय आज जमत में खुशियाँ छाई, बोलो जय श्री राम। राम हमारे राजा होंगे, बोलो जय श्री राम। राजा हमारे राजा होंगे, बोलो जय श्री राम। राजा हमारे राजा होंगे, बोलो जय श्री राम। परम आदरणीय श्रीमान सुंदर भाई भटके महोदय टेमरा वाले ज्योतिष मंडल को 101 रुपए, परम आदरणीय हमारे क्षेत्र के जान पान शान कला के पुजारी हमारे बड़े भैया बलराम जी यादव गायक महोदय, इनके वश मंडल को 51 रुपए सम्मान भेंट, और भगवान इनके हरेक मनोकामना पूरी करे। आज अमन में खुशियाँ छाई, बोलो जय श्री राम। चारों तरफ अवध में खुशियों का माहौल था, भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक होने वाला था, और जैसे ही राजा दशरथ को खबर लगी कि आज रानी केकई उदास होकर गोप भवन में जाके बैठी है, राजन विचार करते हुए रानी के सम्मुख जाते और क्या कहते हैं, जो भी दीपुरब मनोरथ काली भवन में गवनी के समय नर शुकर दिख पाई गया हूँ, देख दशा दुखदार रूप सदन मधुमोह पुराना जनात शमभूषण। कुछ ऐसी खबर लगी गोप भवन में जाते रानी से, कहते कि रानी क्या बात है, क्यों उदास हो, आज तो मेरे चारों तरफ अवध में खुशियों का माहौल है। रानी कहती है राजन याद करो वो देवासुर संग्राम, मैंने आपके प्राण बचाए थे और आपने मुझे दो वर मांगने को कहा था, आज उस वर का भी समय आ गया है। तो रानी कहती है राजन से कि आज ही उसका उचित समय है, कि मंत्रा की बुद्धि चली के कई के भर दिए कान, राम को राजा ना बनने दूंगी ऐसा मन में करे राजन। कहते हैं कि रानी मुझे याद है मेरे वो वचन, आप जब चाहे मांग सकती हो। तो रानी कहती कि राजन आप अपनी बातों से मुकर तो नहीं जाओगे। राजन कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। रानी ये
गोकुल की रीत है, अगर किसी को वचन दे दिया तो उसके बाद प्राण ही क्यों न चले जाए, पर वचन से मुकरते नहीं है। क्या बात। तो आज रानी केकई अपना पहला वर मांगती है कि मेरे भरत को राजपाट मिले और मेरे राम को 14 बरस का वनवास हो। क्या बात। राजा कहते हैं वैसी तो तुमने मेरे प्राण ही मांगे है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहते हैं राजन की रानी अभी भी समय है, मान जाओ, कुछ और धन दौलत माल खजाना मांग लो तो चल जाएगा। क्या कहते हैं राजन रानी को समझाते हुए? क्या हो पंगला गाड़ी गुमहल खजाना और सब ले लेना, तुम हो रानी हो आग लगे से धन को। ए रानी और बन मत देना मेरे लालन को, 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 बन मत देना मेरे लालन को। श्रीमती सोमती भाई वरकड़े नवल सिंह ढाना, इनकी ओर से मंडल को 101 रुपए सप्रेम भेंट हुए। भगवान भेंट हुए बाबा, इनके हर एक मनोकामना पूरी करो। क्या कहना है? क्या मेरी बड़ी बदनामी होगी, मेरे बड़े बदनामे होगे, मेरे बड़े बदनामे होगे, अरे महल की रानी हानि होगे, महल की रानी हानि होगे, महल की रानी हानि होगे, अरे मेरी बड़ी बदनामी होगी, मेरे बड़े बदनामे होगे, महल की रानी हानि होगे, महल की रानी हानि होगे, महल की रानी बन मत देना मेरे लालन को, बन मत देना मेरे लालन को, बन मत देना मेरे लालन को, बंगला गाड़ी वो महल खजाना, बंगला गाड़ी वो महल खजाना, बंगला गाड़ी वो महल खजाना, जाते हैं कि रानी हाँ अभी समय है मान जाओ, पर रानी नहीं बोलती, कहती है कि राजन हमने पहले ही कहा था कि आप अपने वचनों से तो नहीं मुर्कोगे। क्या आज राजन उनकी बात मानते हैं। नगर में खबर हो जाती है कि राम को 14 बरस का वनवास हुआ। हेलो, इतने खुशियों के माहौल में गम का माहौल हो गया, क्या होता है? ओ सुन के वचन के कहिए, आज देखिए माता केकई के वचन सुनकर भगवान राम वनवास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या बात। और आज हम इस कली काल कलयुग में देखते हैं कि हम ही अपने पुत्र पुत्रियों को अगर कोई चीज के लिए आदेश करते हैं तो वह जवाब हमको दे देते हैं। क्या और ये रामचरितमानस हमें सिखाती है कि कितने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, एक माता के वचन पर वनवास जाने को तैयार हो गए। क्या कहना है? क्या सुन के वचन के कहिए, राम
बन को चले लखन भी चले श्रीमान हमारे बड़े भैया दिनेश जी ध्रुवे महोदय उप सरपंच महोदय ग्राम पंचायत शीतल झिरी इनकी ओर से मंडल को 51 रुपए कपड़े भेंट हुए। भगवान हिरण देव बाबा उनके हर एक मनोकामना पूरी करे। क्या कहना है क्या? बचन के कई के धन के बदल गए कई गए धन के बदल गए कई गए सिया राम बन को चले लखन भी चले नगरी में शोर हुआ भारी राम ने की जब बन की तैयार नगरी में शोर हुआ भारी सिया राम ने की जब बन की तैयार अयोध्या में गम की घटा छाई के कई ने खुशियां मनाई अयोध्या में गम की घटा छाई के कई ने खुशियां मुस्कान किराना स्टोर शीतल झिरी इनकी ओर से मंडल को 101 रुपए सप्रेम भेंट। श्री रघुनंदन जी उइके महोदय चिकरी मार वाले इनके ओर से मंडल को 51 रुपए। श्रीमान भोरेलाल जी आहा के महोदय जी शीतल झिरी वाले इनके ओर से मंडल को 21 रुपए। परम आदरणीय श्रीमान मानक बरकड़े महोदय शीतल झिरी वाले इनके ओर से मंडल को 51 रुपए। श्रीमान इंदुलाल जी बरकड़े महोदय शीतल झिरी इनके ओर से मंडल को 51 रुपए। श्रीमान शंकर जी ध्रुवे महोदय इनके ओर से मंडल को 21 रुपए सप्रेम भेंट। भगवान हिरण देव बाबा इनके हर एक मनोकामना पूरी करे। आज देखिए प्रभु श्री राम माता की आज्ञा पाकर वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। सांग में लखन भाई माता जानकी और राजा दशरथ को जैसे ही पता चला कि आज मेरे पुत्र जा रहे हैं तो क्या होता है? क्या ओ मन में पड़े आस है और मन है बड़ा चैन रो रो के मुखन करे राजा देखो अरे ये रोए रहे नैना ये बरस रहे नैना मेरा राम वन को
चला रोए रहे लैला। अरे बरस रहे नैना ओ रोए रहे नैना, मेरा राम बन को चले रोए रहे नैना। चले मैं क्या करूं, मेरा राम बन को चले मैं क्या करूं, मेरा राम बन को चले मैं क्या करूं, और फिर हां मैं कैसे जीऊं मैं क्या करूं, फिर हां मैं कैसे रहूं मैं क्या करूं, फिर हां मैं कैसे रहूं मैं क्या करूं। रोए रहे नैना तरस रहे नैना, मेरा राम बन को चले श्रीमान। हमारे बड़े भैया दीना जी यादव महोदय चिकली माल वाले, इनकी ओर से मंडल को 101 रुपए सप्रे बैठो, भगवान इनके हर एक मनोकामना पूरी करे। और क्या कहना है क्या? आज देखिए प्रभु श्री राम को सुमंत जी के द्वारा गंगा तट तक पहुंचाया जाता है। नगर के लोग बड़े साथ जाते हैं पर सभी को मना कर दिया जाता है। आज लखनलाल देखिए कीवट को आवाज लगाते हैं गंगा तट पहुंचने के बाद क्या होता है क्या? अरे केवटिया आज लखन लाल आवाज लगाते हैं क्या कहते हैं क्या? अरे बिठा के नैया मैं तुम्हारी ये हमें उस पार के बटिया
बटिया के बटिया के बटिया। देखिए